हमीरपुर के सदर कोतवाली के अंतर्गत आने वाले मोहल्ला यमुना घाट का है, जहां पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय विश्वकर्मा ने खुद को गोली मारकर मौत के घाट उतार लिया। मृतक की पत्नी ने बताया कि राठ के रहने वाले एक नामी हिस्ट्री सीटर अखिलेश यादव से पति का झगड़ा हुआ था। पति ने डिप्रेशन में आकर खुद को गोली मार ली और पति पत्नी व बच्चे को रोता बिलखता छोड़ गया। मृतक की पत्नी ने बताया कि सुरेंद्र कुरारा का रहने वाला है और राठ के रहने वाले अखिलेश यादव से झगड़ा हुआ था, जिससे डिप्रेशन में आकर गोली मार ली। झगड़े की बात क्यों हुई थी इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पति इतना डिप्रेशन में था कि वो बार बार खुद को मार लेने की बात कर रहा था और दहशत में होने के कारण खुद को गोली मार ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और लाइसेंसी राइफल को भी अपने कब्जे में ले लिया है। वही सदर क्षेत्र के अधिकारी अनुराग सिंह ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। थाना कोतवाली सदर हमीरपुर अंतर्गत एक मोहल्ला है यमुना घाट पे, यहाँ के एक निवासी हैं संजय विश्वकर्मा। इन्होंने अपने आप को राइफल से गोली मार करके आत्महत्या की है। इसी सूचना पे पुलिस आई है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए।